पास्ता खाने का मन कर रहा है, पर मम्मा और मामू तो अपनी बातों में लगे हुए हैं और मेरे पास्ता के लिए बातें छोड़ेंगे नहीं। आइडिया, मम्मा आपको पास्ता बनाना आता है? हाँ बेटा, मैं तो इतना मजेदार देसी पास्ता बनाती हूँ। मामू आपको पास्ता बनाना आता है? मम्मा से भी अच्छा। क्या बेटा, तेरी मम्मा आड़ा टेढ़ा कुछ भी कर डाल के बोल देगी और बोलेगी बहुत बढ़िया पास्ता। मामू बनाता है बिल्कुल इटालियन ओरिजिनल पास्ता। मामू होंगे शेफ और बड़ा इटालियन, लेकिन जो मजेदार होता है ना वो देसी पास्ता ही होता है। बेटा मेरा, अरे नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, चैलेंज करते हैं। ठीक है, तो चलो जाओ अपने सामान की तैयारी करो। ओके, कार तो हो गया पास्ता का और मुझे एक पास्ता नहीं दो दो पास्ता मिल रहा है, तो आप भी डबल प्यार दीजिए इस वीडियो को, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। 1 लाख लाइक तक तो पहुंच ही जाएगा ना वीडियो। देसी पास्ता के लिए पहले पास्ता को बॉईल कर लिया है, पैन गरम हो गया है और बस इसमें मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी। तो बस जैसे ही तेल गरम हो गया मैं थोड़ा सा लहसुन डालूंगी, थोड़ा सा प्याज, बस ये हल्का सा हो गया। तो अब मैं इसमें डालूंगी स्क्वायर डाइस्ड अनियन जिसको मैंने खोल लिया है, प्याज को हल्की कच्ची रखनी है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी और ये है मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट जिससे ये पास्ता एकदम मज़ेदार हो जाएगा। ना ज़्यादा मेहनत ना कुछ, रेडीमेड फन एंड फूड की पास्ता सॉस। ये मेन सॉस है जिससे कि बच्चों को ये पास्ता बहुत ही पसंद आएगा और पॉइंट्स सारे मुझे मिलेंगे। और बेस्ट चीज़ इसमें यह है कि इसमें कोई मसाले नहीं डालने पड़ते, बस आपको थोड़ा सा हल्का सा नमक डालना पड़ता है। वैसे हमने पास्ता बॉईल करते समय भी नमक डाला था। और बस अब इसमें गया मेन इंग्रेडिएंट पास्ता, इसको भी मिलाया। थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो अब मैं इसमें डालूंगी मेयोनीज। मम्मा का पास्ता बन गया? बस बेटा ऑलमोस्ट डन है, लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालना है और पास्ता रेडी है, आपका फेवरेट, आपको पसंद है ना। तो बस अब मेरा पास्ता यहाँ पे तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं बड़ी क्या खुशबू आ रही है और टेस्ट में तो ये है ही बड़ा लाजवाब। चैलेंज के साथ साथ हम एक बड़ी मज़ेदार रेसिपी भी सीखने वाले हैं और इतनी सारी तैयारी देख के तो मुझे लग रहा है कुछ मज़ेदार ही बनेगा। ये फ्यूसले है जो मैंने बनाया था, वो पेने पास्ता था। ऑयल, बटर, अमूल बटर। अब इसमें डालेंगे थोड़ा गार्लिक। तो अभी तक तो सारे देसी इंग्रेडिएंट्स ही गए हैं इसमें। इसमें डाल देंगे अपना मशरूम्स। ओके, नॉर्मल मशरूम्स। तो बेसिकली ये शिप क्रू में शेफ हैं और ये छुट्टियों में आए हुए हैं, तो आज हमने इन्हें पकड़ लिया अपने चैलेंज के लिए प्लस कुछ सीखने के लिए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा, ये जो मशरूम है ये है पोचिनी, तो हम इसे डाल देंगे सॉस में, तो ये टेस्ट देगा। हाँ, या टेक्सचर, ये टेस्ट देगा मशरूम का, जो फ्लेवर है उमामी, जो एक पर्टिकुलर फ्लेवर है मशरूम का, वो एकदम से आ जाता है। मशरूम ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है, थोड़ी सी डालेंगे वाइन, अल्कोहल कंटेंट सारा एवेपोरेट हो जाएगा और जो फ्लेवर है वो इसमें रह जाएगा। ये नॉन अल्कोहलिक हो जाएगी, बेसिकली नॉन अल्कोहलिक हो जाएगी। अब इतना सब तो हमने डाल दिया है, इसलिए लगभग तेल भी छोड़ दिया है इंडियन कुकिंग के हिसाब से, तो हम मसाला कब डालेंगे इसमें? इसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, ये कोई आपकी कोई आड़ी टेढ़ी इंडियन रेसिपी नहीं है, इससे ऑथेंटिक इटालियन पास्ता। इटली में जो मसाला होता है वो होता है सॉल्ट, पेपर, पेपरिका। ओके, तो बस वही तीन डालेंगे, बेसिकली बहुत सादा सिंपल बनेगा। सॉस की थिकनिंग के लिए डालेंगे इसमें, ये हमारा रिफाइंड फ्लावर, मैदा, मैदा 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया मैदा, मैदे को हम इसी में कुक करेंगे तो सारा फ्लेवर इसी में रह जाएगा। इसमें एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट जा रहा है, ट्रफल ऑयल, मैंने कभी नहीं देखा, ये किसका ऑयल होता है बेसिकली? ट्रफल एक टाइप का
मशरूम होता है, तो इसमें एक छोटा सा पीस होगा ट्रफल का और वो सारा इन्फ्यूज होगा सनफ्लावर ऑयल में। अभी आप डालेंगे अभी इसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर डालते ही थोड़ी देर में उड़ जाता है, तो इसको डाल के हम पास्ता को पकाएंगे नहीं। तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध जिससे हमारा सॉस का बेस बनेगा। तो आप देख रहे हो हमारा पास्ता अब ये सॉस थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा। तो कितना थिक, जितना मतलब जनरली एक सूखा पास्ता होता है, एक थोड़ी अच्छा ग्रेवी वाला पास्ता होता है, इसको हम कैसा रखेंगे? बेसिकली जो अगर आप पास्ता, ये छोटा पास्ता है तो इसके लिए सॉस हमेशा थिक ही जाएगा। ओके। और जो लंबा पास्ता होता है लाइक स्पेगेटी पास्ता होता है, तो जब आप उसे उठाते हैं तो सॉस पतला होगा तो वो पूरा पास्ता पे अच्छे से ड्रेप होएगा। ओके। सॉस हो चुकी है हमारी एकदम रेडी, हम इसमें डालेंगे पास्ता। ये है फ्यूसिली, ये मशरूम सॉस के साथ बेस्ट जाता है। ये हो गया आपका पास्ता रेडी, इसमें हम डाल देंगे अब थोड़ा सा ट्रफल ऑयल। थोड़ा सा डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स। ट्रफल ऑयल का मुझे नहीं बताया था, चिली फ्लेक्स का भी मुझे नहीं बताया था। और ये हो गया आपका पास्ता रेडी, इसे हम सर्व। तो अनंत्या टेस्ट करो पास्ता। इस चैलेंज में एक चीज बहुत अच्छी हुई है, मुझे पास्ता का पास्ता मिल गया, चैलेंज का चैलेंज हो गया और आपको इसकी रेसिपी पता चल गई। तो पहले कौन सा टेस्ट करूं? पहले आप मामू का टेस्ट करो। ये बहुत अच्छा है, वैसे तो मुझे मशरूम्स अच्छे नहीं लगते पर इसका जो सॉस है वो इतना यम्मी है और ये पूरा फिलिंग है। हाँ सही कहा, ये बहुत टेस्टी है, इसे खा के हमें इटली के पास्ता की याद आ गई। अब जरा मम्मी का देसी पास्ता भी ट्राई करो। ये बहुत अच्छा है, जैसे मम्मा मेरा नॉर्मल पास्ता डालती है उसमें, इसमें थोड़े और तड़के और फिलिंग वाला बना दिया है। अब इन दोनों पास्ता को तो मैं नहीं कर सकती कंपेयर क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मुझे इसका फिलिंग बहुत अच्छी लगी और ये तो मैं हमेशा खाती हूँ तो मुझे ये अच्छा लगा है। तो पास्ता चैलेंज करने में मुझे तो बहुत मज़ा आया। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है कि मैं आ गई हूँ रिविट ऐप में, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मोर देन 3000 बुक्स और उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके डाउनलोड कर दें और आप मेरी कुक विद निशा की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।